नमस्कार, मैं मानस में शाओल इंडोनेशिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां जो बाइडेन ने शपथ ले लिया है। ये खबर तो आप जानते होंगे, लेकिन शपथ लेते ही जो बाइडेन ने कर दिया है तांडव। वो तांडव किसके ऊपर? अमेरिका के राष्ट्रपति ने, नवनिर्मित राष्ट्रपति ने चीन और पाकिस्तान के ऊपर तांडव कर दिया है। और जो रक्षा मंत्री अभी नए बनाए गए हैं, उन रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर भारत के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन 20 भारतीयों के सीनेट में, जो वहां पर उनका जो 20 भारतीय हैं जो अब जो बाइडेन के साथ में रहेंगे, उन लोगों ने भी शपथ ली। और उन लोगों को कैसे सीनेट में भारत माता के जयकारे लगे हैं, आज आप कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना नहीं अपने आप को रोक पाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। लिए चलता हूं आपको उस खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन एक तरफ शपथ ले रहे थे और शपथ लेते ही सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई और फिर भारत माता की जय के नारे। वीडियो को लाइक शेयर अपने आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बताता हूं आपको, शुरुआत करूंगा पाकिस्तान से, फिर आपको लिए चलेंगे चीन, क्योंकि सबसे पहला एक्शन पाकिस्तान का और फिर चीन पर जो कुछ हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्री के तौर पर नामित किए गए लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान को साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान अपने जमीन पर आतंकियों को पनाह देता है, और उस आतंकियों को पनाह देने पर हम सीधे तौर पर अब पाकिस्तान पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें और सुन लीजिए। सीधे तौर पर यहां पर भारत की तरफ जो भी रक्षा डील के बारे में हो रहा था कि S-400 की डील कैंसिल हो जाएगी, उसको लेकर के भी बड़ी खबर आ गई है। लेकिन आपको बता दूं, रक्षा मंत्री का ये बयान सीधे तौर पर भारत में और भारत में रहने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग को सीधे तौर पर कोमा में डाल दिया है, क्योंकि यहां टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहा था कि जो बाइडेन तो मुस्लिमों के पक्षधर हैं और हमारे यहां का टुकड़े टुकड़े गैंग, हमारे यहां का विपक्षी दल, वो साफ चाहते हैं कि बाइडेन मुसलमानों का पक्ष लें, क्योंकि हमारे देश का जो हिंदुस्तान है, जहां के विपक्ष है, जो कुछ खास शांति देतों की मदद करने के लिए पूरी तौर से भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचता है, इसलिए भारतीय आर्मी से सर्जिकल स्ट्राइक और बहुत सारे सबूत मांगता है। बाकी रही बात इस पे, अब आपको बताते हैं जो बाइडेन के नवनिर्मित जो है, वहां बता दूं आपको चीन की सबसे बड़ा कार्रवाई ये भी की गई है। पद संभालते हुए बाइडेन के खुफिया विभाग के प्रमुख ने बीजिंग के खिलाफ शपथ लेते ही आक्रामक रुख अपना लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का चीन के प्रति सख्त रवैया अब दुनिया को साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसकी वजह है कि चीन को कई पाबंदियां और झेलनी पड़ रहीगी, क्योंकि शपथ लेते ही जो बाइडेन ने उन पाबंदियों को लेकर के उनके खुफिया विभाग के जो हेड हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस चीज का ऐलान कर दिया है। 46वें राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का प्रशासन के बीच चीन की मुश्किलों को बढ़ा चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बाइडेन ने किने कोपिया प्रमुख के तौर पर एवरिल हेंस को नामित किया है, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह चीन की तरफ से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए आक्रामक रूप अपनाए जाएंगे, उसका वो समर्थन करती हैं। एवरिल ने कहा कि चीन को अमेरिका की सुरक्षा और समृद्धि के लिए खतरा बताते हुए कहा कि वह बीजिंग की तरफ से मौजूदा समय में मिल रही चुनौतियों को आक्रामकता से सामना करने का समर्थन करती हैं। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर पद के लिए कॉन्फ्रेंसलन हियरिंग के दौरान उन्होंने एवरिल ने कहा कि चीन को लेकर अमेरिका के दृष्टिकोण को अब बदलना होगा, और ताकि चीन की मुखरता और आक्रामकता का सामना भी किया जा सके। उन्होंने कहा कि चीन हमारी सुरक्षा, समृद्धि, मूल्यों और अन्य कई जो मामले हैं, उसको चुनौती उसके लिए है, और इसके लिए हम आक्रामक रूप का समर्थन वो करती हैं, ताकि हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं उससे हम निपट सकें। अगर मैं इस पद को हासिल करती हूँ तो खुफिया विभाग इस क्षेत्र में बहुत मदद कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर चीन को, जो चीन अब तक समझ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चले गए और जो बाइडेन हमारे कौन है, हमारे शुभचिंतक हैं। मैं बार बार कहता हूं, हम अपने चैनल से ओनली न्यूज़ नेशन बार बार कहता है कि जो बाइडेन अमेरिका की जो पॉलिसी है, वो अमेरिका की पॉलिसी
वो राष्ट्रपति नहीं बदलता है, वहां का एक जो शासन प्रशासन जो व्यवस्था वो ऑलरेडी चल रही होती है, राष्ट्रपति बदलते रहते हैं, विदेश नीतियां नहीं बदलती हैं। विदेश नीतियों पर गहन अध्ययन होने के बाद ही विदेश नीतियों का बदलाव किया जा सकता है। ऐसे में जो बाइडेन चाहें भी तो ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि केवल केवल मुस्लिम के पक्षधर हैं। और आज पूरी दुनिया, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कहते थे इस्लामिक आतंकवाद, जिसको आज पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, जो बाइडेन आकर इस्लामिक आतंकवाद जैसे शब्द को खत्म नहीं कर सकते हैं, ये बात भी साफ है, क्योंकि उनके खुद के जो रक्षा मंत्री हैं, जो अभी नवनिर्वाचित रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है, और उस आतंकियों के पनाहगार को अमेरिका आने वाले जो कार्यकाल है जो बाइडेन का, उसमें उसको करारा जवाब देगा। अमेरिका आतंकवादी को पनाह देने वाले लोगों का समर्थन नहीं करता है। कुछ लाइनें हैं जो आप समझिएगा और सीधे तौर पर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जो एक एक लाइन में यहां बोल रहा हूं वो अमेरिका की तरफ से आए एक एक बयान है, जो कि भारत के लिए एक खुशी का एक तरह से कहें एक खुशी का एक मैसेज है, लेकिन वहीं भारत में रहने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग जिसकी हालत खराब हो चुकी है, जो ये इसमें था कि वो आते ही S-400 की रील को खत्म कर देंगे, जो बाइडेन को आते ही सीधे तौर पर मोदी पर बड़ा करारा प्रहार करेंगे, जो बाइडेन आते ही पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा लेंगे, जो बाइडेन के आते ही चीन भी उनकी गोद में जाकर बैठेगा। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग की पतलून तब जाके गीली होती है जब वो बाइडेन के रक्षा मंत्री और खुफिया विभाग का ये प्रमुख का ये बयान आ जाता है, और वो कहते हैं कि हम भारत के साथ रक्षा को अच्छा करेंगे और चीन को बेहतर से बेहतर और कड़ा जवाब देंगे, वहीं पाकिस्तान को आतंकी बनने जो आतंकवादियों को पनाह देता उसको करारा जवाब देंगे। इस बीच मैं आपको बता दूं 20 भारतीयों की टीम जो शामिल हुई है, जो जो बाइडेन के इर्द गिर्द व्हाइट हाउस में उनके कार्यालय में रहेगी, उनके नाम सुन लीजिए, जो कि भारत माता के जय सिंह में इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 20 भारतीय जो बाइडेन के साथ आए हैं, उनके नाम सुनिए। मैं आपको नाम शुरू करता बताता हूं। पहले नाम है इस लिस्ट में 50 वर्षीय नीरा टंडन, जो कि अमेरिका के लिए बजट तैयार करने में इनकी बड़ी भूमिका रहेगी, यानी अमेरिका का जो बजट होगा उसमें नीरा टंडन का महत्वपूर्ण योगदान है। 45 वर्ष की वनिता गुप्ता को अमेरिका के न्याय विभाग का तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पद यानी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल को लिए मनोनीत किया गया है। डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के जनता के स्वास्थ्य सुधारने की सलाह देंगे। 47 वर्षीय माला अडिगा राष्ट्रपति की पत्नी पॉलिसी के मामलों की सलाह देंगी। 32 वर्षीय सबरीन सिंह को फर्स्ट लेडी की मीडिया सलाहकार, यानी जो बाइडेन की पत्नी का मीडिया सलाहकार बनाया गया है, इनको सबरीना सिंह है। इसके अलावा आयशा शाह इंटरनेट के माध्यम से राष्ट्रपति के संदेशों को अमेरिका के लोगों तक पहुंचाएंगी। आर्थिक मामलों की समिति में भरत राम मूर्ति को शामिल किया गया है। गौरव राघवन राष्ट्रपति के स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति के सबसे करीबी लोगों में विनय रेड्डी होंगे, जो बाइडेन के भाषणों के लिखने की इनकी जिम्मेदारी होगी। वेदांत पटेल जो होंगे वो राष्ट्रपति के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों का फैसला कर देने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के मूल 3 लोगों को शामिल किया गया है। इसके अलावा सोनिया अग्रवाल को पर्यावरण मामलों के वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है। अमेरिका को कोरोना के बचाने वाली टीम में विदुर शर्मा को स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है, और अमेरिका के राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देने वाली टीम में भी भारतीय मूल की 2 महिलाओं को नियुक्त किया गया है। यानी कि अब आने वाला वक्त जो है वो फिर से, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे कोई हो, भारत माता की जय सीनेट में तो लगेंगे ही लगेंगे, वो भी अमेरिकी सीनेट में। बने रहो इंडियन नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।